अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो इस टाइम पे सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 5:30, तो आपके भाई को बहुत भूख लग रही है। तो और हम आपको पता है कि कराची में रहते हैं, तो इस टाइम पे कराची के अंदर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा खाने के लिए। तो चलते हैं और कुछ खाने का देखते हैं। तो हम जो है वो चलते हैं। तो बेगम का कहना जो है ना, बात मत करिएगा मुझसे, कि तो बहुत मसले की बात हो गई। तो क्योंकि किसी की बेगम नहीं चाहती कि उसका चौर उससे दूर जाए। तो खैर, आके मनाते हैं। और भी जो है वो चलते हैं, और एक दोस्त को भी पिक करना है, उसको पहले ही फ़ोन कर दिया है मैंने। तो नीचे आ चुका हूँ मैं, और मौसम बहुत प्यारा हो रहा है और ठंडा हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अभी जो है वो दोस्त को लेते हैं। तो मैंने जो है वो अपने दोस्त को पिक कर लिया है, और अब हम जा रहे हैं पेट पूजा करने, शो फुल शो। तो अब ये है कि जहाँ पहुँचते हैं फिर वहाँ बात करते हैं आपसे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सन्नाटा तो आपको बता रहा होगा कि 6 बजने वाले हैं, और यहाँ तो हमें कुत्ता भी नज़र नहीं आ रहा है, और हम तो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमें लग रही है बहुत भूख। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जो है आज आए हैं वासी हैदराबादी ब्लॉक, जो कि 24 घंटे खुला होता है। तो मैं तो हर एक दो दिन छोड़ के आता रहता हूँ। तो अब चलते हैं और ऑर्डर देते हैं। तो आज हम जो है ये खाने आए हैदराबादी, तो खाएंगे और आपको ज़रूर बताएंगे। तो आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। मैंने कहा हैदराबादी हैदराबादी एक नहीं, वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा पुलाव आ चुका है, और असद भाई को जो बेसब्री से इंतज़ार है खाने का। तो ये देखें प्याज, ये पहले इसके ऊपर डली हुई आती थी, अब प्याज हो गई है 200 रुपये किलो, तो अलग से ख़रीदना पड़ती है, फिर इसके ऊपर डालें और फिर खाएं। तो खाती हो फिर आपको बताते हैं। तो फिर आपको इस जायके का बताया जाए कि पुलाव कैसा है, खाते हैं आपसे जायका शेयर करते हैं। हाँ माशा अल्लाह बहुत अच्छा है। और मैं तो खैर हर एक दो दिन छोड़ के आता रहता हूँ, खाता रहता हूँ। तो जायके का जो है असद भाई से पूछते हैं। जी असद भाई, तो बताएँ आप। जी जायका तो उसका माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जब आपको भूख लगे रात को किसी भी टाइम पर आप आएँ और खाएँ बस। तो जब भी आपको भूख लगे तो इससे क्या मकसद है? 24 घंटे खुला हुआ है, 24 घंटे खुला है मेरे भाई, 24 घंटे है। तो यार ये तो बेहतरीन चीज़ है। तो जब आपको भूख लगे आप आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अभी अच्छा ना फजर का टाइम हो रहा है। हाँ बिल्कुल, और फजर हो गई, अजानें हो गई है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये लोकेटेड कहाँ है? यार ये आपको 4 के चौरंगी से 2 मिनट पहले यहाँ पर पड़ेगा आपको, उल्टे हाथ पर। 4 के से पहले? जी 4 की चौरंगी है, उससे 2 मिनट पहले आपको ये उल्टे हाथ पर। चले तो ठीक है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अभी हम खाते हैं। अच्छा जनाब, तो अपनी तो पेट पूजा हो ही चुकी है, तो बेगम के लिए भी लाजमी फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि घर में कदम रखने नहीं दिया जाएगा, तो उसके लिए भी लाजमी पुलाव लेना बनता था। तो बेगम के लिए भी ले लिया है। तो हम जो है वो खाने पीने से फारिग हो चुके हैं, और अब जो है वो वापस चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अगर कोई गलती भी हो तो भी मुझे बताइएगा, ताकि मैं उसको अगले व्लॉग में मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँ। तो
आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेरे दोस्त की मेहनत को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो इसी के साथ अपना व्लॉग इख्तिताम करते हैं और मिलते हैं अपने अगले व्लॉग। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह अल्लाह।